भारत और सिंगापुर ने 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो 8 के 8 समझौते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में ये समझौते हैं, जिनको एक एक करके हम उन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है नेवल कॉपरेशन, यानी कि नौसेना सहयोग, जो भी हमारी भारत की और प्लस जो हमारा सिंगापुर है उसकी नौसेना है, इनमें सहयोग के बारे में इस समझौते में बातचीत हुई है। नेक्स्ट अग्रीमेंट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको लेकर के समझौता हुआ है। नेक्स्ट इज फिनटेक, की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एंड द थर्ड फोर्थ वन, जो चौथा हमारा है, वो भी साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर फिनटेक, साइबर सिक्योरिटीज, ये सब बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसी के रिगार्डिंग ये समझौता है। नेक्स्ट फिफ्थ अगर हम बात करें तो नर्सिंग, क्योंकि भारत में मेडिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके साथ साथ सिंगापुर में भी मेडिकल का जो क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छा है, तो नर्सिंग के फील्ड में ये पांचवा हमारा समझौता है। और छठा समझौता जो है वो नार्कोटिक्स तस्करी और स्मगलिंग, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो कम्बैटिंग नार्कोटिक स्मगलिंग, और अगर हिंदी में हम बात करें तो नार्कोटिक्स तस्करी और मानव तस्करी से संबंधित, कि किस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों से मुकाबला कर सकें। अगर हम एक सोशल इशू के रूप में देखें तो ये जो भी हमारे स्मगलिंग से रिलेटेड पॉइंट्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहता है, बट इस पर ध्यान देने की ज़रूरत हम सभी को है। तो जो हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में अगर हम बात करें तो कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन, ये समझौता है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया जाएगा। हो सकता है कि हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स वहाँ जाए, वहाँ के डिप्लोमेट्स यहाँ पर आए, और उसके बारे में दोनों ही देश एक दूसरे के मैनेजमेंट को समझें, ये समझौता इसके रिगार्डिंग है। और जो लास्ट है हमारा MOU साइन हुआ है, ये साइन हुआ है नीति आयोग और उसके साथ साथ सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइजेस, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है प्लानिंग को लेकर के, जो भी हमारा प्रशासन है, योजना है, इन सभी से संबंधित ये समझौता है। तो ये 8 के 8 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।